कृष्णा राधे राधे। कृष्णदासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और ये मैं माता रानी का थोड़ा बहुत जो मैंने तैयारी करी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी मेरे पास तो हर बार के सब चीज़ सबके पास कपड़े रखे ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमें नए ही पहनाने हैं। हमारे पास जो है उन्हें धो के दोबारा भी पहना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो है उसे भी रिपीट कर सकते हो। तो जय श्री राधे। बट फिर भी मैं थोड़ा सा लिया है और बनवाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जय श्री राधे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री राधे। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक ये ड्रेस, जबकि मेरे पास तो माता रानी की पिक है। मैं तो ड्रेस कम ही मन करता है लेने का और चुन्नी, क्योंकि पिक है तो पिक पे खाली वही पहनाया जाता है, ऊपर चोली तो पहनाई नहीं जाती। तो मैंने ये एक लहंगा लिया। ये इस तरह से आप बाज़ार से लोगे तो आपको इस तरह से बांध के देते हैं। और ये तो खैर मैंने कलावा बांध दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको रबड़ बैंड या कुछ इस टाइप का बंधा मिलता है धागा वाइट कलर का। इससे आपके जो चुनते हैं वो सही रहते हैं, इसलिए ये बाज़ार में ऐसे करके देते हैं। तो ये देखिए जिस तरह से इसकी फ्लेयर है, तो ये ऐसे ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो ये है रानी पिंक और ब्लू और गोल्डन में, क्योंकि पिछली बार मैंने ऑरेंज था, उससे पिछली बार रेड था। तो मैं हर बार सोचती हूँ कुछ अलग अलग कलर होता है। तो ये माता रानी के लिए लहंगा है, कितना सुंदर लग रहा है ना, सीक्वेंस वर्क है। एक मैंने ये लिया है और इसका दुपट्टा भी अच्छा खासा बहुत बड़ा है। ये देखो इसमें सेम वर्क है, ये देखो कितना बड़ा दुपट्टा है इसका। तो माता रानी के आराम से, मेरी बहुत बड़ी पिक है माता रानी की। तो ये और वैसे इसके साथ चोली भी आई है, पर चोली का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी टच करनी पड़ेगी। बट ये कोई बनाना चाहे तो इस तरह से भी अपने प्रभु के चोली, देखो बिल्कुल शर्ट सी लग रही है ना। तो ये है चोली, तो ये है माता रानी की ड्रेस, ठीक है। तो ज़्यादा शॉपिंग मैं यूँ नहीं करती, हर बार रख ही रहता है कुछ भी। और पूजा पाठ का सामान तो वो तो लाते ही लाते हैं, उसका मैंने सोचा क्या दिखाऊं आपको, वो तो अभी लाना भी है, इसलिए वो मैंने आपको दिखाना ज़्यादा वो, क्योंकि वो तो सबको ही पता क्या लाना है। और ये ड्रेस है, मेरा ड्रेस अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। तो एक ये है, इसको मैं फिर दोबारा इस तरह से यहाँ पर, आप कभी भी आपका कोई लहंगा कुछ हो तो इस तरह से उसके चुन जो बन रहे हों उसको यहाँ से रबड़ बैंड या फिर धागा लपेट के रखोगे तो ये चुन सही रहते हैं, ठीक है। मार्केट में ऐसे ही मिलते हैं। और ये मैंने कुछ बहुत टाइम पहले ही बनवा लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ऐसे ऊपर का थोड़ा सा। ये मैंने बहुत टाइम पहले ही बनवा लिए थे कुछ माता रानी के पर्दे और कपड़े, वो मैं दिखा देती हूँ। बनवाए तो दिवाली के लिए हैं, बट दिवाली भी आ ही गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैंने ये दो शनील के इस टाइप से बनवा लिए थे कपड़े। अब मैं इन्हें या तो कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ, आप किसी थाली पे भी रख सकते हो, किसी मतलब मंदिर में भी बिछा सकते हो इस तरह से करके, या आपका मंदिर बड़ा है ऐसे भी बिछा सकते हो, और या फिर कान्हा जी का बेड है जो उसके पे भी मैं बिछा सकती हूँ। मैंने लाला का कह के ही बनवाया था, बट मैं इसको कई चीज़ से यूज़ कर सकती हूँ। और बहुत सुंदर कलर है, इसमें इतना अच्छा नहीं आ रहा है, ये जैसे ये ऐसा वाला रेड नहीं है जो ये दिखा रहा है इसमें फ़ोन में, ये डार्क वाला रेड है, बहुत सुंदर वाला रेड है। और मैं कोशिश करूँगी आपको इसका असली कलर बैक कैमरे से दिखाने की। तो एक ये बनवाया था और एक ये बनवाया था, ये आप खुद भी बना सकते हो, बट मैंने तो बनवाया था ये। तो ये देखिए, तो ये दो हैं छोटे बड़े, है ना। और इस तरह से मैंने दो बनवाए। आप चाहे करवा चौथ के जैसे आप थाली से जाते हो तो ढक भी सकते हो, तो कई तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने बनवाए थे माता रानी के पर्दे, इसमें लिखा हुआ है जय माता दी। ये मार्केट में कपड़ा मिल जाता है जहाँ भगवान के श्रृंगार का, जहाँ भगवान जी के वस्त्र मिलते हैं, जैसे हम कपड़े वपड़ा खरीदने जाते हैं भगवान जी के, तो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस पर लिखा हुआ जय माता दी और सारे में। तो ये मैंने दो मंदिर के लिए पर्दे बनवाए थे। पर्दे में मैं सिंपल ही पर्दे बनवाती हूँ, देखिए आप ये खुद ही कर सकते हो। इसको बस लेस लगा दी है यहाँ से साइड से, और ये पीछे इस तरह से फोल्ड कर दिया, जिसमें आप अपना स्प्रिंग जो होती है वो डाल सकते हैं, वायर नहीं तो आप रस्सी डाल सकते हैं, कई लोग नाड़ा वगैरह भी डाल लेते हैं और हम भी डाल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई लोग क्या सब घरों में जिसके जो होता है वो सब डाल लेते हैं, ऐसी बात नहीं, हम सब सामान्य लोग ही हैं, तो हम भी डाल लेते हैं भैया, कोई बात नहीं, जो मिलता है टाइम पर।
तो ये माता रानी का आपको मैं दिखा दिया, पर्दे हैं और ये दो पर्दे और छोटे छोटे बनवाए थे लाला के बेडरूम के लिए, मेरे काना का बेडरूम है ना, तो उसके लिए दो पर्दे और थे, बट मैं देखूंगी वहाँ लगाऊंगी या फिर आप बिछा भी सकते हो, जैसे मंदिर में मैंने ऊपर लगा लिया नीचे बिछा दो, पर नीचे मैं वो दूसरा ही बिछाऊंगी प्लेन वाला। तो ये लड्डू गोपाल जो मेरे लड्डू गोपो उनके बेडरूम के लिए दो पर्दे उनके बेडरूम के लिए थे, पर ये तो ये हैं। और जब मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये इस तरह की मैंने लेस मंगवाई थी, मुझे बहुत पसंद है ये लेस। इसमें अभी बैक कैमरे से एक मिनट देखो, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी, इस पर लिखा हुआ है सदा सौभाग्यवती भव, और ये रेड कलर की लेस है। तो आप किस कितने चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, आप कोई ड्रेस बनवा रहे हो या कोई चुन्नी बना रहे हो माता रानी की या राधा रानी की तो यूज़ कर सकते हो, लहंगे में यूज़ कर सकते हो। और मैं अपनी चुन्नी पे सोच रही थी करवा चौथ के लिए कि अपनी चुन्नी पे लगवाऊंगी, अब देखो मैं क्या करती हूँ, मेरा अभी थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा, जब हम लोग लेडीज़ बड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं करवा चौथ के लिए क्या करें क्या ना करें, तो बट ये मैं लेस मंगवा ली थी और ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। आप इस तरह से बोलेंगे ना सदा सौभाग्यवती भव जिस पे लिखा होता है वो लेस दे दो, और ये 50-55 रुपए मीटर आ जाती है, आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी लेस वाली शॉप से आप लेना चाहोगे तो आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है एक लेस, तो ये मैंने कुछ अभी कपड़े वपड़े जो बनवाए हैं और मतलब लाई हूँ तो मैंने वो दिखा दिया आपको। तो जय श्री राधे, और ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और हो सके तो ट्राई करना, कितने सुंदर सुंदर आजकल कपड़े आ रहे हैं माता रानी के और लेसेस आ रही हैं। तो जय श्री राधे।